तो दोस्तों देख सकते हो ये है मेरी e-motorhead X1 जिसको मैंने 2 हफ्ते तक यूज कर लिया है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि क्या इसकी अच्छी बात है, क्या चीज़ें इसमें कुछ बुरी है। तो आप इसमें वीडियो देखते रहना, बहुत आपको मज़ा आएगा। और अगर आपको लेना चाहते हो अमेज़ॉन से ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ये बेस्ट सेलर है इलेक्ट्रिक साइकिल e-motorhead X1। यस, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो 25,000 की जो साइकिल लेते हैं उसके अंदर नहीं आती है। ये टॉर्च मैंने अमेज़ॉन से ली है, काफ़ी अच्छी टॉर्च है, उसको आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये भी मैंने बाहर से ली है, ये भी इसमें नहीं आती है। ये बैक कैरियर भी मैंने बेस्ट सेलर अमेज़ॉन का लिया है, आपको सब दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक। ये मडगार्ड देख सकते हो दोस्तों, ये भी मैंने बाहर से लगवाए हैं, ये साइकिल में नहीं आए थे। और यही मेरी एक शिकायत है कंपनी वाले, अगर इसको लगा के दे सकते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी साइकिल की बात करता हूँ दोस्तों, साइकिल बहुत अच्छी है, 25,000 में जो बेस्ट इलेक्ट्रिक साइकिल हो सकती है वो है। और क्योंकि ये ब्रांड है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप 25,000 अगर आप डाल रहे हो तो आप ब्रांडेड साइकिल में ही डालें, कोई भी एरे गेरे कंपनी में मत डालें, क्योंकि 25,000 काफ़ी बड़ी रकम होती है। जब भी आप साइकिल लेते हो तो कोई भी आपको यही बोलेगा कि आप थोड़ा सा पैसा डाल के आप बाइक भी ले सकते हो। तो इसीलिए आप ऐसी साइकिल ले जिसमें कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा ब्रांड हो, तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने बेकार चॉइस ली है। तो काफ़ी अच्छा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है। ये है थ्रॉटल दोस्तों, और बैटरी अच्छी चल जाती है, 30 किलोमीटर का रेंज दे देती है। एग्जैक्टली मैंने नापा नहीं है क्योंकि इसमें स्पीडोमीटर नहीं है, पर मैं दिन भर कहीं भी जाता हूँ तो कहीं भी अच्छी बैटरी रहती है, मतलब ख़त्म नहीं होती है। और ये जो बैक कैरियर है ये मैंने बाहर से अलग से लगाया, अमेज़ॉन से मंगाया। इस पर ध्यान रखना कि जब पीछे मोटर चालू रहे तो आप ज़्यादा वज़न ना किसी को बैठाए। ये बेसिकली सामान वगैरह के लिए ही मैंने यूज़ किया है और इसी के लिए लगाया है, ना कि किसी को बैठाने के लिए। 2-2.5 घंटे में बैटरी मैंने देखा है कि चार्ज हो जाती है लगभग 90%, और आप और चार्ज करना चाहते हैं तो हो जाएगी 100% भी 3 घंटे तक। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। देखो मोटर के साथ में बहुत अच्छी भागती है साइकिल, और बिना मोटर के तो ये समझ लो एक नॉर्मल साइकिल होती है, वैसी है। पर क्योंकि ये थोड़ी सी जो सामान्य साइकिल होती है उससे थोड़ी सी भारी है, तो कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि जोर आ रहा है आपको, पर कहीं ना कहीं अगर रोड अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत अच्छे ब्रेक्स है इसके, देख सकते हो सस्पेंशन है आगे, डिस्क ब्रेक है दोनों आगे पीछे। और जैसे ही मोटर अगर बंद होती है तो दोस्तों जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो वैसे ही मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, ये इसकी खास बात है। तो काफ़ी अच्छा इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ उसको लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया कितने की ली, क्या ली। और इवन ये बाइक से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है, अट्रैक्ट करती है, महंगे से महंगे बाइक को छोड़कर पब्लिक इसको देखती है, क्योंकि ये अभी भी इतनी कॉमन नहीं है जितना बाइक्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। तो साइकिल लेना एक थोड़ा सा आज की डेट में अट्रैक्ट करता है, 25,000 की 30,000 की आप साइकिल लेते हो तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आप इतने रेट में अगर आप बाइक लेते हो तो किसी को भी 50,000-60,000 में सब ले लेते हैं, पर आप साइकिल लेते हो तो थोड़ा सा लग्जरी फील आता है कि किसी को लगता है कि 25,000 आपने साइकिल में डाले तो कहीं ना कहीं कुछ बात होगी आप में। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर रोड वगैरह अच्छे है, स्मूथ है, तो यार इसको ले लो, क्योंकि आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। एक इंसान अगर ट्रैवल करना चाहता है तो बिल्कुल आप इसको ले सकते हो दोस्तों। देख सकते हो मेरा घर यहाँ पे दोस्तों सीढ़ियाँ है, तो इसको अगर मैं स्कूटी वगैरह लेता ना तो मुझे बाहर निकालने में और अंदर आने में बहुत दिक्कत होती, पर ये क्योंकि साइकिल है तो मैं इसको बहुत आसानी से कहीं पर भी उठा के ले जा सकता हूँ, और इसीलिए इसका एक एडवांटेज है, एक इंसान के लिए बेस्ट है। और बाजार वगैरह यहाँ पे बहुत भीड़ वाले होते हैं, तो आप बाइक में भी वैसे भी कुछ खास स्पीड नहीं चला पाओगे, और इसीलिए साइकिल बेस्ट है। बाकी सामान वगैरह थोड़ा बहुत इसमें लोड कर सकते हो, 25-30 किलो तक
आप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो 50 किलो का उसके कैरियर के ऊपर दिया है लोड, पर 50 किलो आप ना ही बैठाओ तो अच्छी बात है। यस, बाकी बहुत अच्छी क्वालिटी है और ये मैंने बाहर से लिया है, देख सकते हो ये पीछे लगाने के लिए। ये भी आपको अमेज़न से मिल जाएगा, मैं लिंक दे दूंगा। तो कुल मिला के 25,000 में ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। यस, अभी तक 2 हफ्ते तक यूज़ करने के बावजूद बाद मुझे ऐसा लग रहा है, तो जैसे जैसे इसका समय जाएगा और मुझे पता चलता जाएगा कि ये कैसी साइकिल है, कितना ड्यूरेबल है, और कहीं ना कहीं अभी तक मुझे कोई भी शिकायत नहीं है इससे।